तो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड मैं आ चुका हूँ बॉडी बिल्डिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके। अगर आप लोग ऐसे और अपडेट देखना चाहते हो तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। तो बात करते हैं आज के अपने पहले अपडेट के बारे में, जो की होने वाला है रोहित खत्री के बारे में। तो रोहित खत्री ने अपनी प्रेप स्टार्ट कर ली है और उन्होंने अपने नेक्स्ट शो के बारे में बताया है। आज है वो दिन, नवंबर में जाके हुई है प्रेप स्टार्ट। तो दो कंपटीशन में खेल लूंगा, एक मार्च अप्रैल के आसपास जो होता है ना, मिस्टर इंडिया मिस्टर एशिया, इनमें से एक, और दूसरा कंपटीशन होगा शेरू क्लासिक प्रो कार्ड के लिए। क्या बोला था पिछली बार आप लोगों ने, यूट्यूबर थोड़ी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल सकते हैं, यूट्यूबर थोड़ी स्टेज पे आ सकते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया एथलीट होंगे। भाई बढ़िया एथलीट बढ़िया बात है, हमने थोड़ी मना करी है, पर हम आज से थोड़ी वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत थोड़ी कम कर रहा हूँ, और तो कोच भी है और ऐसे कोच है, मजा आ जाएगा। आपकी बार फर्स्ट कॉल आउट से काम नहीं चलेगा, आपकी बार जीतने से ही काम चलेगा, और देखते हैं कौन जीतता है आपकी बार। सबको बोल रहा हूँ मैं, जितने भी है, प्रेप स्टार्ट करनी है सर, मैं बोल रहा हूँ प्रेप करेगा फिर तो देख प्रेप के तरीके से। एंड रोहित खत्री की प्रेप को लेके कुछ बॉडी बिल्डर उनको चैलेंज कर रहे थे, तो उनका उन्होंने रिप्लाई किया, उन्होंने क्या बोला आप लोग खुद ही सुन लीजिए। ये जो लोग अभी से वीडियो बनाने लग गए ना कि कंपटीशन होगा तो देख लेंगे, तो भाई वहीं मिलूंगा आपसे, ठीक है, देख लेंगे कौन जीतेगा आपकी बार। तैयारी स्टार्ट हो गई है, डे टू आग लगा देंगे, भाइयों का सपोर्ट अपने साथ। तो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है अली बिलाल के बारे में। तो रिसेंट में अली बिलाल ने अपना करंट फिजिक अपडेट हमारे साथ में शेयर किया था। एंड जैसे कि आप लोगों को पता हो कि अली बिलाल इस साल के मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफायर है एंड वो कम्पीट करने वाले, तो उनका करंट फिजिक अपडेट आप लोग देख सकते हो। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है माइकल क्रीजो के करंट फिजिक अपडेट के बारे में। तो माइकल क्रीजो ने भी अपना करंट कम्प्लीट लेटेस्ट फिजिक अपडेट हमारे साथ में शेयर किया था। एंड इस अपडेट में आप लोग उनकी कंडीशनिंग को देख सकते हो, जो कि जबरदस्त कंडीशनिंग में वो देखने को मिलने वाले हैं। एंड आप लोग देख सकते हो वो उनके पिछले शो से काफी बाइल्डर लुक अचीव कर चुके हैं। एंड अभी तो ऑलमोस्ट 4 वीक आउट है ये अपने मिस्टर ओलंपिया से, एंड बाकी देखते हैं ये अपना नेक्स्ट जो फिजिक इनका टारगेट रहने वाला है वो कितना जल्दी उसको अचीव कर पाते हैं, एंड मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे वो कैसा पैकेज हमारे सामने लेके आने वाले हैं। बाकी इस बार का मिस्टर ओलंपिया काफी इंटरेस्टिंग एंड मजेदार रहने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसे बॉडी बिल्डर उसमें कॉम्पीट करने वाले हैं जो कि अपने हर शो में गोल्ड मेडल अचीव करते हुए आ रहे हैं। बाकी देखते हैं भाई इस बार का मिस्टर ओलंपिया कौन जीतता है। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाले जीजो जोन के अपडेट के बारे में। तो इनका करंट फिजिक अपडेट आप लोग देख सकते हो बैक का, जो कि काफी अच्छी कंडीशन में आप लोग इनकी बैक देखने को मिल रही होगी। बाकी जीजो जोन अभी अपने ऑफ सीजन में है, एंड कोई शो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलते तो मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है एंड्री ड्यू के बारे में। तो एंड्री ड्यू ने रिसेंट में बताया कि वो अपनी कैटेगरी को स्विच करने वाले हैं क्लासिक फिजिक कैटेगरी के अंदर। एंड वो ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जजेस से फीडबैक लिया था, एंड जजेस ने बताया कि वो क्लासिक फिजिक कैटेगरी के काफी सूटेबल रह सकते हैं। एंड एंड्री ड्यू ने ये भी बताया कि वो ट्रेनिंग करते टाइम और ऑन स्टेज वो रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, पता नहीं क्यों, तो वो अब अपनी कैटेगरी को क्लासिक फिजिक कैटेगरी के अंदर स्विच करने वाले हैं। बाकी आप लोग क्या लगता है कि एंड्री ड्यू का ये जो डिसीजन होने वाला है वो राइट होने वाला है, आप लोग सेशन बता सकते हो। बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है नितिन चंडीला के बारे में। तो नितिन चंडीला का आप लोग करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो, एंड नितिन चंडीला वर्ल्ड चैंपियनशिप से 4 वीक आउट है। सो बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है संदीप राजवंशी के बारे में। तो आप लोग इनका करंट फिजिक अपडेट देख सकते हो, जो कि इनका करंट फिजिक अपडेट मेरे को काफी अच्छा लगा, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि ये किसी शो के लिए तैयार हो रहे हैं। एंड बाकी अगर इनकी तरफ से कोई भी मेरे को शो के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है रोहित खत्री का करंट फिजिक अपडेट, जो कि प्रेप का स्टार्ट करने से पहले उन्होंने हमारे साथ में शेयर किया था। बाकी रोहित खत्री जल्दी कॉम्पीट करने वाले हैं, जो उन्होंने अपने शोज बताए थे। एंड बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि होने वाला है उवैद पठान खान के बारे में। तो इन्होंने अपना लेटेस्ट फिजिक अपडेट हमारे साथ में शेयर किया था, एंड इस फिजिक अपडेट के अंदर आप लोग उवैद खान की करंट कंडीशन को देख सकते हो, एंड वो किसी शोज के लिए जल्दी तैयार होने वाले हैं। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो 4 वीक आउट है मसल्स मेनिया एशिया के लिए। बाकी देखते हैं उवैद खान 4 वीक के अंदर अपनी कंडीशनिंग में कैसा चेंज करने वाले हैं एंड कितनी अच्छी कंडीशनिंग को वो अचीव कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने ही अपडेट्स थे। अगर आप लोग की छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना, ऑल्सो अगर आप लोग ऐसे और अपडेट देखना चाहते हो तो आप लोग बॉडी बिल्डिंग अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर लेना। सो मैं मिलता ना इस वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर ऑल।